ये है स्ट्रॉबेरी चीज़ क्रीम मोदक। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और खाने में बहुत टेस्टी होती है, और इसे आप फटाफट 5 मिनट्स में बना सकते हो। हाय फ्रेंड्स, सिंपल स्पाइस के किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणेश जी का फेस्टिवल आ रहा है। गणेश जी के फेस्टिवल में हम कई सारे मोदक की रेसिपी बनाते हैं। ऐसे ही कुछ न्यू यूनिक स्टाइल मोदक, कुछ ट्रेडिशनल मोदक और कुछ सिंपल मोदक जो 5 मिनट्स में बन जाएंगे, ऐसे मोदक की रेसिपी मैं मेरे चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। हर रोज एक रेसिपी मैं मेरे चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप ऐसी कुछ रेसिपीज में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा देना, तो मैं जब भी न्यू अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे एक लाइक ज़रूर देना और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। और अगर आपके पास मेरे लिए कुछ सजेशन है, कुछ फीडबैक्स है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो चलिए अब देखते हैं स्ट्रॉबेरी क्रीम चीज मोदक बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें लगने वाली है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मारी बिस्किट का चूरा, जो 10 से 12 बिस्किट मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिए हैं और उसका ये चूरा बना लिया है। फिर यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप मिल्क पाउडर, ये किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमने लिया है 1/4 कप ड्राई कोकोनट। फिर हमें लगने वाला है कंडेंस्ड मिल्क, ये मैंने 1/4 कप लिया है, बट जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे ज़्यादा भी यूज करेंगे। फिलिंग के लिए हमें लगेगा 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़। फिर मैंने लिया है 3 से 4 कटी हुई स्ट्रॉबेरीज, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रश या स्ट्रॉबेरी का जाम है तो आप इसको यूज कर सकते हो। 2 टेबलस्पून शुगर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी क्रश। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, मीडियम साइज का पैन है, और उसे मीडियम फ्लेम पे गर्म करने के लिए रख दिया है। उसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरी एंड शुगर अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। आप देख सकते हो शुगर मेल्ट हो गया है और स्ट्रॉबेरी भी थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो गया। अभी हम इसे और 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ये पक चुका है, स्ट्रॉबेरी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप अगर चाहे तो आप इसका मिक्सी में घुमा के पेस्ट कर सकते हो, पर मुझे इसके चंक बड़े अच्छे लगते हैं तो मैं इसे ऐसा ही रखूंगी। स्ट्रॉबेरी क्रश बन चुका है तो हमारी फिलिंग की तैयारी अब हो चुकी है। तो अब बनाते हैं मोदक। मोदक के लिए एक प्लेट में मैंने ये मारी बिस्किट का चूरा ले लिया है। आप मारी बिस्किट के बदले कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट इसमें यूज़ कर सकते हो। इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, कोकोनट, ये ड्राई कोकोनट है। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। याद रखना, एक टाइम पे 2 टेबलस्पून इतना ही कंडेंस्ड मिल्क हमें इसमें डालना है। फिर इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो और 2 टेबलस्पून डालना है। ऐसा मैंने 3 बार किया है, तब मेरा आटा अच्छे से बन गया था।
इसका आटा बनाने के लिए आपको बहुत अच्छे से इसको दबाना पड़ेगा, तो ही ये आटा बनेगा। ये देखिए, और एक बार मुझे, मैंने 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क इसमें डाला है और इसे अच्छे से दबा दबा के हमें प्रेस करना है, तो ही ये आटा बहुत अच्छे से बनेगा। इसका ऐसे गोला बन गया है और हमें इसे मलना है और इसे थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो ये हाथों में अब चिपकना बंद हो गया है, इसका मतलब ये रेडी हो गया है। तो अब बनाते हैं मोदक। मेरे पास ये मोदक का मोल्ड है, ये आपको बाज़ार में मिल जाएगा। तो मैं इसे अब घी लगा रही हूँ। घी से इसके जो मोदक हम बनाएंगे ये बहुत अच्छे से बाहर निकल आएंगे। ये मोदक मोल्ड जो मैंने यहाँ पे लिया है उसे ऐसे बंद कर लेंगे और उसमें जो हमारा आटा है उसे फिल करेंगे। इस आटे को हमें साइड में अच्छे से दबा के उसे भरना है, तो उससे हमारे मोदक का जो शेप होगा वो बहुत अच्छा आएगा। और बीच में हमें होल रखना है, तो हमें इसमें फिलिंग डालने में आसानी होगी। जो होल हमने बीच में रखा था उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे, ज़्यादा मत डालना, नहीं तो आपका स्ट्रॉबेरी क्रश बाहर आ जाएगा और मोदक फट जाएगा। थोड़ा सा जो क्रीम चीज़ हमने लिया है उसे फिल करेंगे और ऊपर से इसे फिर से आटे से कवर कर देंगे। आटे से इसके जब फिल करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा क्रीम चीज़ बाहर आ जाए, तो इसे निकाल के हम इसे अच्छे से पैक कर देते हैं। तो एक जो मोदक है ये रेडी हो गया है, अब मैं बाकी के मोदक भी रेडी कर लेती हूँ। ये मोदक तैयार हो चुके हैं, अब इसे मोदक मोल से निकाल लेते हैं। ये देखिए मोदक तैयार हो चुका है, ऐसे ही बाकी सारे मोदक तैयार कर लेते हैं। ये सारे मोदक मैंने रेडी कर लिए हैं। मैंने एक बड़ा मोदक बनाया था जिसे मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये अंदर से कुछ इस तरह से दिखेगा, ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में उससे भी टेस्टी है। मुझे पूरा यकीन है ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये आपको कैसे लगा। ऐसे ही सिंपल और यूनिक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, तो मैं जो भी अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और याद रखना, मैं और भी मोदक की कई सारी यूनिक हो या ट्रेडिशनल मैं मेरे चैनल के ऊपर शेयर करने वाली हूँ, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलती हूँ, बाय।